आज का टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस होने का रीज़न क्या था? अगर आपके पास एक बैटरी है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स मिलके जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन पूछने वाले पर डिपेंड करता है वो इसको कंसिडर करे या ना करे, उसकी मर्जी है। पर आज के बाद इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड होते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर किया जाता है। तो बेसिकली जब सेल बनता है, तो मैंने आपको हमेशा बताया, लास्ट टाइम बताया था सेल कैसे बनता है। तो मान लो एक सेल तैयार हो गया और सेल को अभी मैंने यूज़ नहीं किया। अगर मैंने सेल को यूज़ नहीं किया, मान लो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि वो सेल 9 वोल्ट का सेल है, तो जब ये सेल मार्केट में बिकने को आया, इसके ऊपर लिखा हुआ है 9 वोल्ट है, ये प्लस और ये माइनस, सही है? तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? इसका मतलब 9 वोल्ट है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी है। अगर मैं इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दूं कैपिटल आर और इनको ज्वाइन कर दूं, तो करंट मूव करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। कोई डाउट इसमें? तो करंट मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है यहां तक? तो नॉर्मली आपको यह सिखाया जाता है कि अगर यह 9 वोल्ट है तो यहां पर भी एग्जैक्टली 9 वोल्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यह बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो 9 वोल्ट है तो यहां भी 9 वोल्ट है, बात खत्म हो गई। कोई डाउट इसमें? अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में यह गिवन है कि यह 9 वोल्ट है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और इसमें अगर आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी कंसिडर कर लिया और करंट ने मूव करना शुरू कर दिया, तो कैपिटल आर ने यह बोला कि भाई मेरे को 9 वोल्ट दो, क्योंकि मैं तो किसके साथ कनेक्टेड हूँ, सेल के टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हूँ, सेल के टर्मिनल 9 वोल्ट पे हैं, तो मेरे को 9 वोल्ट दो। अब सेल कहता है देखो मेरी एक मजबूरी है। तो क्या मजबूरी है? सेल कहता है देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा, मेरे अंदर ना इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोड्स हैं और उसके अंदर छुपी हुई है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो करंट है वो सिर्फ कैपिटल आर को नहीं मिल रहा, करंट तो स्मॉल आर को भी मिल रहा है। तो आई इंटू स्मॉल आर अगर मैं अपने अंदर कैलकुलेट करूं, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप मेरे अंदर भी डेवलप हुआ हुआ है स्मॉल आर की वजह से, तो मान लो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट है, जो आपको दिखाई नहीं देगी। सेल कह रहा है वो मेरे ही अंदर है, वो मैं ही बता पाऊंगा, क्योंकि आई इंटू स्मॉल आर पोटेंशियल ड्रॉप मेरे अंदर डेवलप हो चुका है। तो कैपिटल आर इससे मांग रहा है कि तू मेरे को कितना पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो सेल ये कह रहा है देख है तो मेरे पास 9 वोल्ट, जब मैं बना था तो मेरे को फैक्ट्री वालों ने 9 वोल्ट बना के भेजा था। अगर मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस ना होती ना, मैं प्रॉमिस करता हूं तेरे को 9 का 9 वोल्ट दे देता, पर अब मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरे अंदर भी पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप हो चुका है जो मैं तेरे को दिखा नहीं पा रहा, तो मैं कितना दे पाऊंगा तेरे को, टोटल 7 वोल्ट, क्योंकि 2 वोल्ट तो मेरा खराब होने वाला है आई इन टू आर के चक्कर में, ठीक है यहां तक? तो बाहर कितना मिलेगा, 7 वोल्ट मिलेगा। तो बैटरी थी 9 वोल्ट की, लेकिन बाहर पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल को 9 वोल्ट दे नहीं पा रही, 9 वोल्ट से कम दे पा रही है। कितना दे पा रही है, 7 वोल्ट दे पा रही है, क्लियर है यहां तक? और क्यों दे पा रही है, बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप सबको क्लियर है? तो ये जो 7 वोल्ट दे पा रही है, तो कैपिटल आर ने देखा कि मेरे को तो 7 ही मिले, तो इसने बैटरी से पूछा एक बात बता कि जब तू मेरे को 7 वोल्ट दे रही है तो तेरे दो इतने बड़े, ये जो तेरे जो टर्मिनल्स हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, तो जब तू करंट दे रही है तो तेरे इन टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? तो बैटरी ये कहती है देख अगर तू मेरे अंदर से करंट बाहर नहीं निकालता तो मैं अनयूज्ड हूं, तो मेरा आंसर 9 वोल्ट है। लेकिन अगर तूने मेरा करंट बाहर निकाल दिया तो फिर इन टर्मिनल्स में जब करंट बाहर निकल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस 9 नहीं रहेगा, गिर जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 रह जाएगा। तो जब इसमें से करंट बाहर निकल रहा है तो इन टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस 9 की बजाय कितना हो गया, 7 हो गया। लेकिन अगर करंट निकलना बंद हो जाए तो वापस कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट हो जाएगा, सही है यहां तक? तो इसका मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कब आएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी का कब आएगा, जब उसमें से करंट बाहर
नहीं निकाला जाएगा, और कितना आएगा इस केस में, 9 वोल्ट आएगा। इस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी को जब करंट जीरो है, इसको क्या नाम दिया गया, ईएमएफ। तो यानी कि ईएमएफ की वैल्यू इस बैटरी की कितनी है, 9 वोल्ट है। लेकिन अगर करंट बाहर आ गया और इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया, तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम नहीं निकाल पाएगी। तो उसके जो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 वोल्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो वी की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो हमने सिंबल चेंज कर दिया। तो यानी कि एक बैटरी के टर्मिनल्स के मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ई बोलते हैं, और जब करंट उसमें से बाहर निकलता है तो वो ई रहता नहीं है, वो गिर जाता है। कितना गिर जाता है, 7 वोल्ट। तो उसको क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है। ईएमएफ तो बड़ी रहेगी, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस छोटा हो जाएगा जब उसमें से करंट बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इस बात को और अगर सिंपल तरीके से समझें, ये बैटरी है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वायर की, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसमें करंट जा रहा है। तो तुमने बैटरी से पूछा कि जब तू बन के आई थी और तेरा करंट बाहर नहीं निकला था, तो तेरे टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? उसने बोला जी ई था, ईएमएफ थी। तो जब करंट बाहर निकला, तो आपने बैटरी से पूछा कि क्या तेरा अब भी टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस ई है? उसने कहा ना, अब ई नहीं है, अब कम हो जाएगा। तो आपने बैटरी से पूछा कितना हो गया, तो बैटरी ने क्या बोला, ई माइनस आई इंटू आर से कम हो जाएगा। तो इसका नाम क्या रखा गया, वी। तो फॉर्मूला बन गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ईएमएफ माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ये पॉइंट नंबर वन क्लियर है। तो तुमने बैटरी से ये पूछा कि चल पुराने चैप्टर्स के हिसाब से अगर मैं तेरी इंटरनल रेजिस्टेंस ना लूं, स्मॉल आर जीरो कर दिया, तो कहते कोई टेंशन नहीं, फिर वी और ई एक बराबर, तो जितना 9 वोल्ट है 9 वोल्ट का 9 वोल्ट मेरे से ले जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई डाउट इसमें। पर जिन क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होगी, उन क्वेश्चन में ई नहीं लेना, उसमें ई माइनस आई आर लेना पड़ेगा, जिसको वी बोलते हैं। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? अब तुमने सेम क्वेश्चन इससे पूछ लिया कैपिटल आर से, भाई तू बता तेरे को क्या मिला। तो बोलो कैपिटल आर क्या बोलेगा, मेरे को बैटरी से क्या मिला जब करंट पास कर रहा है सेल, ई मिला कि वी मिला? वी मिला, ई तो मिल नहीं रहा क्योंकि ई तो डिक्रीज हो गया, तो यहां पर क्या मिला, वी मिल गया। पर तुमने इससे ये पूछा कि यार एक बात बता, तू मेरे से क्यों पूछ रहा है, तू खुद ही कैलकुलेट कर ले, तेरे को भी तो ओम लॉ आता है कि तेरे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है कितना। तो इसने बोला वी इज इक्वल टू आई आर। तो जो बैटरी ने वी दिया और इससे जो मैंने कैलकुलेट किया आई इंटू कैपिटल आर, वो भी एग्जैक्टली सेम है। तो तुम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला, बैटरी से पूछ के, बैटरी अपना आंसर क्या देगी, ई माइनस आई आर। और दूसरा, कैपिटल आर से भी पूछ सकते हो कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, क्योंकि अल्टीमेटली वो वी मिल किसे रहे, कैपिटल आर को। तो कैपिटल आर क्या बोलेगा, आई इंटू कैपिटल आर। तो चाहे तुम इससे कैलकुलेट करो, चाहे इससे कैलकुलेट करो, दोनों में आंसर क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम ही आएगा। तो यहां से इक्वेट कर लो, ई माइनस आई आर की वैल्यू क्या है, आई इंटू कैपिटल आर। ई की वैल्यू आई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो आई की वैल्यू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर। तो एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि अगर मान लो इसमें करंट जा रहा है, करंट जाने से जो करंट की वैल्यू होगी, तो जिस क्वेश्चन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है इंटरनल भी है, तो उस सर्किट में करंट क्या होगा, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। तो आज के बाद जैसे क्वेश्चन आएगा, ये रही बैटरी ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, करंट आई चल रहा है। तो इसमें आई अगर निकालने को बोलूं, तो आई इज ऑलवेज सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला डराइव हो जाता है, कोई डाउट इसमें? तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सपोज करो ये मान लो 9 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और मान लो आपके न्यूमेरिकल के अंदर
आने वाले टाइम में तीन रेजिस्टेंसेस लगा के दे देगा वो, एक R1, एक R2 और एक R3 कनेक्टेड इन पैरेलल। जिन क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो आप बोलेंगे कि इसको भी 9 वोल्ट मिल गया, इसको भी 9 वोल्ट मिल गया, इसको भी 9 वोल्ट मिल गया, बात खत्म हो गई, ऐसे ही होगा। लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो आपको क्या देने वाला है, इंटरनल रेजिस्टेंस देगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जब इसमें से करंट जाएगा, तीनों में बैटरी में से करंट निकलेगा, तो ये 9 वोल्ट पे तो रहेगा नहीं, मान लो ये कितने वोल्ट पे हो गया, 7 वोल्ट पे हो गया, V = 7 वोल्ट, E तो रहेगा नहीं इसमें, तो अब रेजिस्टेंसेस को क्या देगा, 7 वोल्ट 7 वोल्ट और 7 वोल्ट। तब आपको सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिवन, फिर तो ऊपर ई दे दो, बात खत्म हो गई। और अगर आपको इंटरनल गिवन है तो फिर वी देना पड़ेगा, ऐसे करके डिसाइड करना पड़ेगा। आपको हर क्वेश्चन में बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा कि लेनी है या नहीं लेनी। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, रूल समझ में आ रहे हैं? तो ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट अब चलेगा। तो मैंने अपने असाइनमेंट में लिखा हुआ है, आप समझ में आ जाएगा, मार्केट से एक बैटरी लेके आया, बैटरी की EMF क्या है, 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है। तो आप अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये सब थ्योरी आपको करवा दी मैंने। वो क्या कि अगर बैटरी से V पूछेंगे, जब बैटरी में से करंट जा रहा है तो बैटरी क्या बोलेगी, V की वैल्यू क्या है, E - IR। और अगर कैपिटल R से V पूछेंगे तो V की वैल्यू क्या देगा, I * R। दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। इसको मैथमेटिकली भी प्रूव किया मैंने। मैंने कहा कि देखो ये 10 वोल्ट है EMF, इंटरनल है 1, एक्सटर्नल है 4। अगर मैं पूछूं इसमें करंट कितना है, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, EMF 10 डिवाइडेड बाई 4 और 1, कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो इस पूरे सर्किट में करंट कितना है, 2 एम्पियर। यहां पर V की वैल्यू क्या है, I * R, तो I * R में क्या आ गया, 8 वोल्ट, चेक कर लो, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 4, और करंट की वैल्यू कितनी है, 2, तो 8 आ गया। तो ये V की वैल्यू कितनी मिल रही है, 8 वोल्ट है। बैटरी से पूछो तेरा आंसर क्या है, बैटरी क्या कहेगी, E - I * R, E की वैल्यू कितनी है, 10 है, I की वैल्यू इसमें कितनी है, 2 है, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो आंसर क्या आ रहा है, 8 वोल्ट। यानी कि चाहे आप क्वेश्चन इससे कर लो, चाहे क्वेश्चन इससे कर लो, आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम आएगा। कोई डाउट इसमें? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे लगेगा ये।